हेलो दोस्तों, जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी द्वारा अभी अभी न्यू सूचना जारी हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आया है यूनिवर्सिटी द्वारा सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है सभी सेशन के साथ छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे 2017-20 के छात्र हो या 2017-19 के या 2019-22 के या 2019-21 या 2018-20 या 2020-23 के छात्र हो, एंड साथ ही साथ 2021-24 के छात्रों के लिए भी ये खबर निकल कर आया है। तो अभी अभी जो न्यू सूचना जारी किया गया यूनिवर्सिटी द्वारा सभी सेशन के छात्रों के लिए, ये वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लीजिए, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि हमारे चैनल पर पल पल के अपडेट जेपी यूनिवर्सिटी से जुड़ी सबसे पहले डाली जाती है। तो जेपी यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो। जैसे सब्सक्राइब करोगे, बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दो कि आने वाली पूरी जानकारी पल पल के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है jpbadmission.org, इसको लिखकर सर्च कर देना है। जैसे लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय का ऑफिशियल साइट है, जो हर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स कि जितने भी छात्र, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, ये मिस मत करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में सारी नोटिफिकेशन डाली जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। पहले उससे पहले वीडियो को आप पूरा देख लो, ठीक है, उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2017-20 के छात्रों की, जो पार्ट थ्री का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। 2017-20 के जितने भी छात्र हैं पार्ट थ्री का एग्जाम दे रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी द्वारा ये खबर निकल कर आ रहा है कि 2017-20 पार्ट थ्री के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चीट करते पकड़े जा रहे हैं। जी हाँ, चीट करते पकड़े जाने के कारण जो है उनको निकासित कर दिया जा रहा है परीक्षा से, यानी परीक्षा हॉल से बाहर भी कर दिया जा रहा है, ठीक है, जो छात्र चीट करते पकड़े जा रहे हैं। तो प्लीज़ 2017-20 के छात्रों से रिक्वेस्टेड है कि आप लोग चीट ना करें। जिस भी विषय का आपका परीक्षा हो रहा है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक और मेहनत से दें अपना परीक्षा, ठीक है, चीट ना करें। चीट करने से कोई फायदा नहीं है, आपका अंक भी, अगर जो छात्र पकड़े जा रहे हैं उनका कोई अंक, मतलब आपको अंक जो है बहुत ज़्यादा आपका अपना भी काट कर मिलेगा, ये ध्यान रखें। आप रिजल्ट में, मतलब अच्छा रिजल्ट आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि अधिकारियों द्वारा अगर आप पकड़े जाते हैं तो रिजल्ट आपका नहीं बनाया जाएगा बढ़िया से, और आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो प्लीज ध्यानपूर्वक अपना पेपर दें, ठीक है। 2017-20 के छात्रों का परीक्षा चल रहा है। परीक्षा बीतने के बाद जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब किस सेशन के छात्रों का परीक्षा होगा, ये जान लेते हैं। उससे पहले एक नज़र यहाँ पर देंगे, तो 2021-24 के छात्र हैं, 2021-24 के जितने भी छात्र हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का सेकंड लिस्ट कल को 4 बजे जारी होने वाला है। कल को 4 बजे सेकंड लिस्ट जारी होने वाला है, ध्यान। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट, सभी स्टूडेंट्स को बता दीजिए शेयर करके वीडियो को, कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल सके। ग्रुप चलाते हो, बहुत अच्छी बात है, ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप में ज्वाइन होते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में इस वीडियो को डाल दो, ठीक है। अब बता देता हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स को कि कल को आप लोगों का जो है 2021-24 के छात्रों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा 4 बजे के बाद। आप लोग इसी वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, ध्यानपूर्वक सभी स्टूडेंट्स देख लो और समझ लो, सुन लो, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये बता दूँ सभी स्टूडेंट्स को कि 2020-23 के जितने भी छात्र हैं पार्ट वन के, 2020-23 पार्ट वन के छात्रों का एग्जाम फॉर्म इसी महीने के लास्ट वीक में भरा जाएगा, इसी महीने के लास्ट वीक में, यानी 28 तारीख से जो है, 28 या 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम फॉर्म सभी स्टूडेंट्स का। आई होप कि इसका अभी तक वाइद वे डेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसका डेट जो है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अभी फिलहाल 2018-20 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, 2018-20 के छात्रों का, और साथ ही साथ 2019-21 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद जो है 2000
2023 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म इसी मंथली में, इसी मंथ में शुरू हो जाएगा। यानी ये 2018-20 और 2019-21 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म जो है 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है और आप लोगों का जो है एग्जाम फॉर्म 2023 के पार्ट वन के छात्रों का शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ परीक्षा किस इस 2017-20 के बाद परीक्षा किसका होगा, किस सेशन के छात्रों का होगा, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी जो है बहुत जल्द जोरों से तैयारियां कर रही है परीक्षा को लेकर 2018-20 और 2019-21 के छात्रों का। जी हाँ दोस्तों, 2018-20 के जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं इनके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम फॉर्म बीतने के बाद डायरेक्ट एग्जाम लिया जाएगा। जी हाँ, डायरेक्ट एग्जाम लिया जाएगा, परीक्षा डायरेक्ट लिया जाएगा दोनों सेशन के छात्रों का एक साथ, यानी 2018-20 और 2019-21 के दोनों सेशन के छात्रों का परीक्षा एक साथ लिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम फॉर्म यानी परीक्षा फॉर्म बीतने के बाद एडमिट कार्ड तुरंत जारी किया जाएगा और तुरंत इसका एग्जाम भी लिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताते हुए बताया कि एग्जाम जो है 2018-20 और 2019-21 के छात्रों का एक साथ लिया जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड लक भी है और बैड लक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं 2019-22 के स्टूडेंट्स की। तो 2019-22 के स्टूडेंट्स जो है आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके भी एग्जाम जो है अक्टूबर माह में कन्फर्म बताया जा रहा है, अक्टूबर माह में एग्जाम होने का। ठीक है, तो परीक्षा को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले हमारे चैनल पर वीडियो डाल दिया जाता है और सबसे पहले अपडेट भी अपडेट पूरी जानकारी इस चैनल पर मौर्य गुरु एकेडमी पर दी जाती है। तो आप लोग 2019-22 पार्ट वन के छात्र टेंशन मत लीजिए, सभी स्टूडेंट्स का पल पल के अपडेट यूनिवर्सिटी द्वारा जैसे ही आता है मैं सबसे पहले दूंगा आपको। और आप लोगों का परीक्षा से रिलेटेड जो है लग रहा है अक्टूबर माह में आप लोगों का परीक्षा जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है जोरों से परीक्षा सभी सेशन का एक एक करके ले रही है। जो विलंब थे, 17 विलंब चल रहे थे, उनका सभी स्टूडेंट्स का परीक्षा एग्जाम फॉर्म एडमिशन सभी कुछ शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द आप लोगों का एक एक करके परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं लास्ट में, चले 2018-21 के छात्रों की। तो 2018-21 के स्टूडेंट्स लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर पार्ट थ्री का मार्कशीट और पार्ट टू का मार्कशीट और पार्ट थ्री का एडमिशन, ये कई बार मिस हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, इसके लिए हम सॉरी कहते हैं। ठीक है, आपका पार्ट टू का मार्कशीट और पार्ट थ्री का एडमिशन कब से होगा, स्टूडेंट्स का लगातार ये सवाल है। तो पार्ट टू का मार्कशीट जो है आप लोगों का 50% तैयार हो गया है, 50% जो है काम चल रहा है, 50% जैसे तैयार होता है आपको यूनिवर्सिटी द्वारा सूचना दे दी जाएगी सभी स्टूडेंट्स को, आप लोग टेंशन मत लीजिए। पार्ट थ्री में एडमिशन कब से होगा, तो पार्ट टू का मार्कशीट जारी होते ही आपका एडमिशन भी शुरू हो जाएगा पार्ट थ्री में सभी कॉलेज में। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें सभी स्टूडेंट्स, जैसे कोई सूचना आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, हम सबसे पहले वीडियो थ्रू आपको बता देंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को डाल दिया जाएगा। पल पल की अपडेट न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए इसी चैनल को ज्वाइन करें फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जैसे सब्सक्राइब करेंगे बगल में घंटी का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, आप उसको भी दबा दीजिए कि आने वाली पूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी मित्रों दोस्तों के पास शेयर करिए कि आने वाली पूरी जानकारी आपको मिलता रहे, उनको भी मिलता रहे। ठीक है, ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अगर आपका कोई सवाल हो किसी भी प्रकार का, इससे रिलेटेड या अदरवाइज कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, उसकी भी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी दे दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।